बिरली महादेव कुल्लू एरिया में पड़ता है। मनाली से बिरली महादेव एक एक घंटे का रास्ता है, ट्रेकिंग करके जाना है हमको। फ्रेंड्स मैं बिरली महादेव बहुत सुखी हूँ। ए फ्रेंड्स ये देखो ना कितना बढ़िया नजारा है, कितने बड़े ट्रीज है, कितने बड़े बादल्स है। देखो कितना कुल्लू सिटी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स इसका आधे घंटे का रास्ता है, हमको ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं। मैं तो वो एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, हमारी अब ट्रैकिंग हम शुरू करने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स मैं तो वो एक्साइटेड हूँ। अदिति ये ट्रेकिंग भी कितना डेंजर है। मम्मी मैं तो सोचते थक गई हूँ, तो पापा टॉप पाएंगे, मैं तो उनके बात करते करते तो मैं बोर हो गई हूँ। बिजली महादेव में ऊपर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं इधर का मैं लोकल वाला खाना खाने आई हूँ। फ्रेंड्स ये दीदी मुझे खाना खिलाया है। फ्रेंड्स ये दीदी कितनी प्यारी है, तो मुझे वो अच्छी लगी। फ्रेंड्स चलो इधर का मैं खाना दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स इधर मैगी मिलती है, मोमोज मिलती, इधर लोकल वाला खाना मिलता है। इधर कोल्ड ड्रिंक, पानी, वेफर्स, इधर सब मिलता है, और इधर बिस्किट भी मिलते हैं। इधर आप रुक के आप लोकल वाला खाने का आप खा सकते हो। इसकी प्राइस वो भी कम भी है। इसका खाना तो इतना ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा। बिजली महादेव का इंफॉर्मेशन का बोले कि पुराना कितना पुराना टेंपल है। फ्रेंड्स इधर एक राक्षस रहता था, वो है बड़ा सा स्नेक। वो इतना बड़ा था ना, फिर शंकर भगवान ने उनको मार दिया, फिर उनकी शिवलिंग बनी। फ्रेंड्स हर 12 साल में शिवलिंग पर बिजली गिरती है। फ्रेंड्स उसकी वजह से शिवलिंग टूट जाती है। यहाँ के पुजारी लोग फ्रेंड्स इधर मक्खन से शिवलिंग को डोल देते हैं। 3 दिन के बाद ये शिवलिंग पहले के तरह हो जाती है। We'll be right back.
बड़ी होती है। फ्रेंड्स, अब मैं मेरी मम्मी और मैं मेरी धोती चप्पल उतार के मैं मंदिर के दर्शन करने जाने वाला है। मंदिर दिसंबर से 14 मार्च तक भरना रहता है। इसमें 3 दिन शिवरात्रि पर ये मंदिर खुलता है। फ्रेंड्स, अब हम ट्रैकिंग करके फिर चमनी से जाने वाले हैं। आप मेरे वीडियो को करना लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब। कल हम जाने वाले सोलांग वैली। बाय बाय फ्रेंड्स।